हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकायंस व्लॉग्स एंड हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को. जिन लोगों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है उनको भी हैप्पी टीचर्स डे. सो आज से ना मैं कॉलेज डेली जाने वाली हूँ, एब्सेंट नहीं करूँगी. कल सर्जरी था इसलिए एब्सेंट कर दिया था मैंने. तो पापा ने मेरे को एक ही बात बोला कि देखो पढ़ाई मिस मत करना, तुम डेली जाना. तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को बताया कि आज फर्स्ट क्लास में पढ़ाई होगा, सेकेंड से हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेशन करेंगे. तो सभी स्टूडेंट ने 100 रुपीज़ करके कलेक्ट किया है. अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं, एंड ड्रेस कोड है ब्लैक एंड रेड, तो हम कुछ वेयर कर. बारिश आज सुबह से ही हो रही है पता है, इसलिए मम्मी मेरे को उठा नहीं रही थी, बोली बहुत बारिश हो रही कैसे जाओगी. लेट्स सी हम कैसे. आज मैंने गर्म पानी कर लिया बिकॉज मुझे काफी ठंड लग रही है. थोड़ी भी बारिश होती है मुझे ठंड लगने लगती है. गुड मॉर्निंग गुची राजा, गुड मॉर्निंग. सुबह सुबह डॉक्टर से बात कर रही है पापा के लिए. क्या बोली नर्स? बोली पापा को होश, तेज बोलना. बोली पापा को होश आ गया. हाँ. और हम कुछ खाने के लिए दिए तो बोली कि नहीं डॉक्टर आएगा उसके बाद ही कुछ खाना. डॉक्टर वही तो, डॉक्टर चेकअप करेगा तब ना देगी. और मम्मी खाने के लिए क्या बना रहा है मेरे लिए? देखो 9:15 बाकी है, हम 9:30 ठीक निकल जाएंगे. आप बताओ क्या बनाएगा. चूड़ा पुलाव नहीं भाता. ठीक है बनाओ, थोड़ा सा खाएंगे, जल्दी बनाओ. सो गाइज आज ब्लू कलर का जीन्स पहनूंगी, साथ में ना ये वन पीस को मैं टॉप बनाकर पहनने वाली हूँ, क्योंकि थीम जो है वो ब्लैक और रेड है. तो अब कॉलेज बहुत दूर है तो हम टॉप और जीन्स ही पहनेंगे, वन पीस नहीं पहनने का दिल कर रहा है. मैं रेडी हो रही थी, कुछ नहीं. क्या किया देखो, मैं क्या किया देखो, क्या किया देखो. ए बाबा आईलाइनर हिला दिया, आईलाइनर लगा दो पता आंख में खराब नहीं हुआ, वरना इतने गुस्सा हो. मैंने प्यारा प्यारा नाश्ता बनाया, मटर टमाटर लेकर नींबू दिया हुआ है, चूड़ा पुलाव एंड गर्मा गर्म चाय. तो गाइस मैं नाश्ता कर रही, मेरी बहन हिसाब लिख रही क्योंकि इसको ही घर संभालना है अभी, क्योंकि मैं तो रहूंगी नहीं कॉलेज जाऊंगी ना. बेटा तू पढ़ाई करेगी, तुम लोग घर संभालना ठीक है. गुच्ची गार्डिंग करेगा, टॉफी जैप करेगी. ब्रेकफास्ट जो है बैग में रख लेती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग के साथ मिलके खाऊंगी ना. तो मैंने आज फाइल नहीं रखा है, पेपर्स रखा है, बिकॉज आज ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, बट फिर भी फर्स्ट क्लास होगा. थीम के हिसाब से मैं भी हो गई हूँ बिल्कुल रेडी. कुछ लोग रेड पहन के आएंगे और मैंने ब्लैक पसंद किया है, मैं ब्लैक पहन के जा रही हूँ. तो ब्लैक और रेड का थीम है, लेट्स सी क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है. तो आज मैंने ये स्लीपर पहने देखी, यहाँ पे कपड़ा सुखा रही. मम्मी बाय, दिख नहीं रहा, बाय बाय. 20 मैंने अपने काका से लिया है, मेरे पास खुला था नहीं, मेट्रो कार्ड मिल नहीं रहा है. सो गाइस हर तरफ जन्माष्टमी का लगा है, देखो खिलौना वगैरह कितना प्यारा प्यारा ना. यहाँ भगवान का झूला भी है देखो. बारिश होकर भी कोई मतलब नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है हमारे कोलकाता में की तरह चल चल के मेरी हालत खराब हो गई यार. सो गाइस अभी मैंने कॉइन लिया देखो, क्योंकि मेरा पास जो है मुझे मिल नहीं रहा था घर पे. पानी की बॉटल ले लिया, वॉक करके जाना है रविंद्र सदन. भाई बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ. एक तो इतनी गर्मी, पता नहीं क्यों बारिश भी होने लग गई. ये क्या है गर्मी और बारिश. फाइनली मैं पहुँच गई हूँ हमारे कॉलेज. चलो ब्लैक पहन के आई हूँ, ब्लैक ब्लैक देखो. इसके हेयर है ना काफ़ी लंबे हैं, मेरे हेयर देखो कितने शॉर्ट है भाई. देखो गाइज आज सर ने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाया, बहुत सारा प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स एंड और डिज़ाइंस के बारे में. तो अभी ब्रेक हो गई है, बहुत तेज भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं. अच्छा देखी थी कैसा लगा तुझे? हाँ डोसा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है. तो ये भैया ने बहुत ही अच्छा डोसा बनाया, वैसे भी ये बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा अन्ना का डोसा राइट. तो मैं वही खा रही हूँ. अंकल आपका डोसा काफ़ी टेस्टी है, मैंने आपका बहुत नाम सुना था पता है कॉलेज आने से पहले. गाइज यहाँ पे मैंने लिया है टोकन एंड केक लेने जा रही थी. यहाँ पे बहुत सारे पुडिंग्स केक्स ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह थे, मतलब यहाँ का जो कैंटीन है ना वो पूरा कैफ़े की तरह है. रेड बुल चॉकलेट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ मिलता है. पिज्ज़ा पाव हाई कर रही थी, संस्कृति भी लाइक झूठ बोल रही है. नहीं सच बोल रही, बहुत अच्छी है. मतलब कैंटीन का मैंने जो भी ट्राई किया सब. ये लड़की और कितना झूठ बोलने वाली है. मतलब गाइस मैं सच बोल रही हूँ, आप लोग दूसरे का पेस्ट्री मार के लाइए. काफी मजाक करते आप लोग, माइंड मत करो गाइस, आप माइंड कर लेना थोड़ा सा. ये देखो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, यहाँ कुछ फैंस मिले देखो ये रहे. तो
सेलिब्रेशन है टीचर्स डे का, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे सर ने ना एक क्लास में कुछ करवाया था ऐसे पेंट जैसा कुछ, और मैं ना एबसेंट थी, बताओ मैं नहीं आई थी उस समय बिकॉज पापा की सर्जरी थी। तो यहाँ पे हेलोवीन पार्टी चल रही थी, उनका थीम भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया था इन लोगों ने, देखो बलून्स एंड ये रैप करके काफ़ी प्यारा लग रहा था, पूरा भूतिया जगह लग रहा था। तो मैम्स के लिए सर के लिए गिफ्ट्स थे, तो ये सब में भी खून खून लगे हुए हैं इस चक्कर। सो काफ़ी ब्यूटीफुल डेकोरेट किया था थीम के हिसाब से इन लोगों ने। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स एंड जूनियर्स लोग थे, सो हम सीनियर्स लोग बैठे थे, जूनियर्स लोगों ने पूरा प्रिपेरेशन किया। ब्लर ब्लर तो गाइस ये रहे टीचर्स, अभी ड्रमशास खिलाएंगे ये लोग टीचर्स को, ये लोग। तो मैम हमें बताएंगी कि कौन सी मूवी है, इशारा करके हम लोग गेस करेंगे। लेट्स सी सब गेस कर पाते हैं कि हम स्टूडेंट्स लोग गेस करने वाले हैं। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे हिंदी हिंदी तीन वर्ड। ये सर का नाम क्या रखी हो तुम, छोटा डॉन सिंदूर 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 तीन चिटकी सिंदूर। प्राइज लेंगे प्राइज लेंगे। ओ मैम मैम, अरे मैम दीवाल फूल पत्ता मिलने के लिए जा रहे हैं, तीन से चार टाइमिंग का अभी भी फंक्शन चल रहा है, बट डांस वन सब कुछ छोड़ के आ गई बिकॉज अभी टाइमिंग है पापा से मिलने का। तो आज भी पापा ओटी गए थे बिकॉज पापा के ना यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो लोग फिर से पापा को ओटी लेकर गए थे। एंड अब मैं की बहन पहुँच गई, और भी लोग जो मिलना चाहते थे वो लोग सब पहुँच गए, और मैं भी फटाफट पहुँच गया। 342 आपको दिख रहा होगा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, ये वाली नहीं है पीछे में जो थी पतली सी वो थी। बादल काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप भी बहुत है। काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बहुत जल्दी पहुँचा दिया यार। चलो अब पापा से भी मिल लेंगे, टाइम बचा लिए, हाफ एन आवर बचा करके। तो ये लोग मुझे जाने नहीं देते, इसलिए मैं 4 कलाक पैदल ही चल लूँगी, क्योंकि देखो ज़्यादा लोग अलाउ नहीं होते हैं ना आईसीयू में।
ना देखा यार पापा की कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी यार, देख कर बहुत डर लग रहा था मुझे यहाँ से पाइप। गाइस आपने पापा की हालत देखी ना कैसी हो गई है, उनके यहाँ पे पाइप लगाई हुई है, मुंह में पूरी सिलाई हुई हुई है और हर तरफ हाथ में ना मोटा सा कुछ बांधा हुआ है क्योंकि हाथ की चमड़ी निकाल के यहाँ लगाई गई थी। तो आज भी पापा को ओटी लेकर गए थे फिर से करने के लिए। सो गाइस अभी 5:30 बज रहे, देख रहे हो मेरे को घर आते आते भी बहुत लेट हो जाता है। पापा के पास भी गई थी जा पाई बिकॉज मेरा एक ही क्लास हुआ, बाकी टीचर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा था सो मैं छोड़ के आ गई। थोड़ा बहुत देखा भी मैंने डांस वगैरह। सो फटाफट चलते देखते मम्मी क्या। काफी अच्छा हो गया, धूप जा चुकी है, मौसम अच्छा हो गया, शाम का समय है, चलो नीचे चलते। मम्मी आप झूठ मत बोलो, आप खाना नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा यार, आप नहीं खाया सारा दिन को, झूठ मत बोलो, आपको टेंशन ऐसे रहेगा तो कैसे चलेगा यार, कोई चीज का झूठ मत बोलो। पूनम मौसी नीचे मेरे को मिली, बोलती मम्मी कुछ खाई नहीं, झूठ मत बोलो मम्मी, क्या खाएगा बोलो, हम ऑर्डर कर दे रहे हैं, बोलो बोलो क्या खाएगा, आपको पिज्जा पसंद है पिज्जा ऑर्डर कर दे। ये कैसा तिरछा तिरछा बनाया, देखो पूरा मैप लग रहा है, देखो देखो पूरा मैप बनाई मेरी मम्मी। अब मम्मी क्या सब्जी बनाई, देखो बनाई, ओह आलू की सब्जी है, आलू की बॉइल्ड सब्जी बनाई गई आज, सूखा सब्जी, और यहाँ पे राइस है। इतना तेज भूख लग रहा है ना, जल्दी आने के बाद पता चला कितना भूख लगता है। मटर टमाटर की सब्जी, ओ वाह थैंक यू, बहुत ही फैंटास्टिक मटर टमाटर की सब्जी बनाई है, इसमें इतना ज्यादा मलाई डाला है, तो जब भी आप लोग की सब्जी बनाओ ना तो मलाई ज्यादा डालना तब मजा आएगा। बहन रोने लगते है यार, फिर मम्मी को रुलाएगी, टॉफी मम्मी आएगी फिर मम्मी तेरे को देख के रोने लगी, प्लीज मत रो यार प्लीज टॉफी, ठीक हो जाएगा पापा यार, ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, तो रो मत, चलो चुप हो, चलो चुप हो, चुप हो, चुप हो, चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मम्मी के लिए मैंने ना दो कॉर्न पिज्जा पनीर वाली ये हॉट डॉग मंगाई है, पनीर का देखो क्या हाल हो गया है, मम्मी खाती नहीं है कुछ बताओ, खाना ही नहीं खाती है घर पे, आप लोग समझाना मम्मी को कि मम्मी खाया पिया करे। यहाँ दो पुडिंग मंगाया है एंड एक चॉकलेट पुडिंग मंगाया, देखो आपके लिए इतना कुछ आइटम, आपके लिए बहुत सारा आइटम है, आप खाते रहना समझा, खाना नहीं खाएगा, खाना आप नहीं खाएगा तो टॉफी भी नाटक करेगी फिर, आप झूठ मत बोलो मम्मी खाया। आज हम लोग यहीं पेंट करते हैं एंड पापा ना धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्रे कर रहे हो, सो थैंक यू दिल से थैंक यू, एंड भगवान का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारा इतना मदद किया है ना। सो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं और एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ, एंड हैप्पी जन्माष्टमी। सो कल एक जन्माष्टमी की अच्छी ब्लॉग आने वाली है, सो आर यू गाइज एक्साइटेड, बाय बाय।